हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएँ कौन सी हैं? आइए देखते हैं कौन कौन सी है। पहला है दो या अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से उपस्थिति, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतर्क्रिया, संबंध का निश्चित प्रतिमान, समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। अब इनमें से कौन सी सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम सोशल ग्रुप की बात करते हैं, सामाजिक समूह की बात करते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो संकुलन है, एकत्रीकरण या एकीकरण है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, उसको ही हम सोशल ग्रुप नहीं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर होंगे तो वो सोशल ग्रुप है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो संकलन है उसके साथ ही साथ उन व्यक्तियों के बीच में क्या हो, जो संबंध हो यानी कि जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है वो सामाजिक समूह के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मात्र सामाजिक समूह के लिए व्यक्तियों का संकलन ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, व्यक्तियों का संकलन ही पर्याप्त नहीं है सामाजिक समूह के लिए, बल्कि उनके बीच में संबंधों का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का संकलन जिनके बीच में संबंध भी पाए जाते हों उनको ही क्या कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे। और कुछ समाजशास्त्रियों का तो ये भी कहना है कि जो समूह के बीच में जो सहयोग पाया जाता है उसको उन्होंने सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक बताया, सहयोग को। ठीक है, आप लोगों को कई बार बताया गया है कि किसने माना है सहयोग को सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, आगे आपको देखने को भी मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रजातीय एक वृहद जैविकीय मानव समूह है? अब प्रजाति को एक वृहद जैविकीय मानव समूह किसने कहा है? ऑप्शंस है फ्रेंच बोआस, ऑर्नोल्ड ग्रीन, डीएन मजूमदार, जिन्सबर्ग। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्नोल्ड ग्रीन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समूह के सदस्य, ऑप्शंस है पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, सामान्य मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं या फिर उपर्युक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा थर्ड का, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समूह की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, दो या दो से क्या हो, अधिक व्यक्तियों का संकलन होना चाहिए, उनमें सामान्य उद्देश्य होते हैं, पारस्परिक अंतर्क्रिया पाई जाती है, निश्चित संरचना होती है, जागरूकता पाई जाती है यानी कि वो सदस्य हैं एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, सभी समूह की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने समूह के निर्माण के लिए निम्न दो तत्वों को आवश्यक बताया? एक है मनुष्यों का संकलन और दूसरा है पारस्परिक संबंध। अब इन दोनों को समूह के निर्माण के लिए आवश्यक दो तत्व किसने बताए हैं? ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, ऑगबन एंड निमकॉफ, जॉनसन, रॉबर्ट किंग, मर्टन। तो क्या होगा यहाँ पर, फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मनुष्यों का संकलन और पारस्परिक संबंधों को समूह निर्माण के लिए दो आवश्यक तत्व बताने वाले कौन हैं? मैकेवर एंड पेज हैं, ठीक है। तो फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज। इनकी एक बुक है इम्पॉर्टेंट सोसाइटी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत क्या है? एक संगठन है, ठीक है। सुना होगा आप लोगों ने, देखा होगा, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ये समिति से रिलेटेड था जो कि एग्जाम में आता है, और हम समिति के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि ये किसका कहना है, ठीक है। तो हम समिति के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, ये हो जाएगा मैकेवर का। एंड समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है, ये हो जाएगा। और समिति को डिफाइन उन्होंने किस तरीके से कहा था कि व्यक्तियों का एक कोई ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस समूह का निर्माण करता है, ठीक है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कुछ समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता हो उसको समिति कहते हैं, और इस तरीके से परिभाषित किया है समिति को मैकेवर एंड पेज ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, सदस्यता के आधार पर पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत लोगों ने संबंधों के आधार पर या संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है, लेकिन यहाँ पर सदस्यता के आधार पर समूहों का जो क्लासिफिकेशन है वो पूछा जा रहा है, किसने किया है सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में। ऑप्शंस हैं आर बियर स्टेट, आर के मर्टन, जे एच फिक्टर और वॉट। क्या हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर फिफ्थ का राइट आंसर आर के मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मर्टन ने मेंबरशिप यानी सदस्यता के आधार पर समूह को सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में विभाजित किया था। सदस्यता समूह के बारे में इनका ये कहना था कि व्यक्ति जिसका सदस्य होता है, और एग्जाम्पल दिए थे इन्होंने परिवार, जाति, गांव, शहर, धर्म, राष्ट्र, ठीक है। और इसे हम व्यक्ति का इन ग्रुप के तौर पर हम समझ सकते हैं, अंतः समूह हम कह सकते हैं सदस्यता समूह को। और जो गैर सदस्यता समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, जिसे हम आउट ग्रुप के रूप में हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो सदस्यता समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है, परिवार, जाति, गांव, राष्ट्र हो जाएगा, शहर हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, ये व्यक्ति का क्या हो जाएगा? इन ग्रुप, जिसका कि वो मेंबर है। और जो गैर सदस्यता समूह है जिसका कि वो मेंबर नहीं है, इसे हम आउट ग्रुप की तरह हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप। अब ये बुक किसकी है? कई बार आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिली होगी, नेट के पेपर में भी, पीजीटी के पेपर में भी, यहाँ तो चलिए कराया ही जा रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको पीवाईक्यू में कई बार देखने को मिली होगी। तो ऑप्शंस हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, सी एच कूले, समनर होम्स, जॉसी होम्स। तो द ह्यूमन ग्रुप ये किसकी बुक हो जाएगी? ये हो जाएगी होम्स की, ठीक है, मानव समूह। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया? अर्ध प्राथमिक समूह, ऑप्शन है ऑकबर्न, समनर, कूले, हिलर। ऑकबर्न, समनर, कूले, हिलर ऑप्शंस हैं। तो अर्ध प्राथमिक समूह की जो शब्दावली है, ठीक है, या ये जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूले हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब कूले है, इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक तो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1909 में आती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में, और एक जो सेकेंड बुक है उसका नाम क्या है, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये दो इनकी बुक हैं इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा तो दी ही है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। इसके अलावा इनकी जो एक अवधारणा है वो अर्ध प्राथमिक समूह भी है। अब अर्ध प्राथमिक समूह को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम समाज को देखते हैं, समाज में देखते हैं, तो हमें दो
तरह के समूह देखने को मिलते हैं। एक तो है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। इन दोनों ही समूह के अलावा व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे समूहों का निर्माण करता है जिसमें कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की क्या पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। और कूले ने ये कहा है कि अर्ध प्राथमिक समूह को हम क्यों कहते हैं कि इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। प्राथमिक समूह की इस वजह से अगर हम संबंधों के आधार पर देखें तो इसमें प्राथमिक समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं, और अगर हम संरचना और उद्देश्यों की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें हमें द्वितीयक समूह की विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहले प्राइमरी ग्रुप और इनकी जो अर्ध प्राथमिक समूह होती है इनकी स्थिति मध्य में होती है, यानी कि पहले प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा, फिर क्वासी प्राइमरी ग्रुप एंड फिर सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समूह निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक बताया। अभी आप लोगों को बताया गया था ना कि कुछ समाजशास्त्रियों ने समूह के निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक बताया, सहयोग की जो भावना होती है उसे। ऑप्शंस दिए गए हैं जॉनसन, ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, किंग्सले, डेविस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, समूह निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक किसने बताया है। तो एट्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूह के निर्माण के लिए संबंधों का होना आवश्यक तो है। हम लोग कहते हैं ना कि व्यक्तियों का संकलन, और साथ ही न केवल व्यक्तियों का संकलन बल्कि उनके बीच में क्या हो, संबंध पाया जाता हो। तो केवल संबंध ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ ही साथ उसमें सहयोग की भावना भी ज़रूरी है। ठीक है, सभी और इनका ये भी स्टेटमेंट रहा है जॉनसन का कि समूह के निर्माण के लिए संबंधों का होना ज़रूरी है, लेकिन हर तरह के संबंध समूह का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अगर पूछा जाता है कि समूह के निर्माण के लिए संबंध आवश्यक तो है पर हर तरह के संबंध समूह का निर्माण नहीं करते, ये किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है। ठीक है, संबंधों के साथ ही साथ सहयोग की जो भावना होती है वो भी समूह के निर्माण के लिए ज़रूरी है। अब सहयोग की भावना सदस्यों के बीच में जो पाई जाती है, ठीक है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो वो ये दो जो कह सकते हैं हम समूह के जो आवश्यक तत्व हैं वो जॉनसन ने बताए हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, समूहों का निर्माण, समूहों का निम्न वर्गीकरण अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह में किसने किया है। ऑप्शन है गिलेन एंड गिलेन, वार्ड, समन, कूले। अब ये क्लासिफिकेशन किसका रहा है समूह का, अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह। या फिर ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर वार्ड हो जाएगा, वार्ड ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह तर्क है। ऑप्शन है स्मॉल, हॉट एंड रेस, मेरिल एंड एल्ड्रेस, बोटोमोर। अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का जो संगठित संग्रह है वो समूह है, और ये किसका तर्क है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में अंतरक्रिया होती हो, व्यक्तियों के ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। ठीक है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में अंतरक्रिया होती हो उसे हम सामाजिक समूह कहेंगे, और ये कहना हॉट एंड रेस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समूह की इन विशेषताओं का वर्णन किया है। एक तो है समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, और फिर सामाजिक संगठन। ऑप्शन दिए गए हैं किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बेयरस्टेड, सीएच कूले, जेएच फिक्टर। ये आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। समूह की इन विशेषताओं की बात किसने की है, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बेयरस्टेड। द सोशल ऑर्डर इनकी बुक रही है रॉबर्ट बेयरस्टेड की, ये बुक भी कई बार पूछी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में किया है। ऑप्शंस हैं गेडेंस, किंग्सले डेविस, सोरोकिन, आरके मर्टन। समूह का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह के रूप में किसने किया है।
क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन किया है ग्रुप का, समूह का जो वर्गीकरण किया है एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह के रूप में, तो जो समूह होता है उसके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों के आधार पर ये क्लासिफिकेशन रहा है इनका। याद रखिएगा, सोरोकिन ने संबंधों के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह के रूप में। ठीक है, तो अब अगर हम एकल बंधन समूह के बारे में बात करें कि ये क्या होता है, इसे एकल बंधन समूह और साथ में ही एक कार्यात्मक समूह भी कहा जा सकता है, तो कहा जाता है अगर एकल बंधन समूह ना हो और इसकी जगह दिया हो एक कार्यात्मक समूह, तो याद रखिएगा सोरोकिन का ही है एक कार्यात्मक समूह। तो अब इसे हम समझें तो व्यक्ति ऐसे समूह का क्या होता है, मेंबर होता है। ठीक है, और जो सदस्य है व्यक्ति, उसका जो सदस्य का आधार है वो क्या है, आपस में जो जुड़ा हुआ है व्यक्ति ग्रुप से, उसके उसमें क्या है, सदस्य आपस में जो जुड़े हुए हैं उस समूह से, उसमें है सदस्यता उनकी है, वो एक ही आधार है, कोई एक बेस है। ठीक है, बेस क्या है, एक है। अब इसे हम समझ सकते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, एक भाषीय समूह हम कह सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के आधार पर, जितने भी ग्रुप हैं इसमें एकल बंधन समूह या एक कार्यात्मक समूह में वो सभी जो समूह है वो शिक्षित वर्ग का समूह है, हम ये भी कह सकते हैं, अशिक्षित भी हो सकता है। एक भाषीय समूह है, सभी लोग एक ही भाषा है को बोलते हैं। एक उम्र, जेंडर, लिंग के आधार पर है ना, तो ये सभी क्या है, इनके जो सदस्य इसमें होते हैं समूह के, उनका क्या है, एक ही आधार है, एक ही आधार से जुड़े हुए हैं, बेस एक है। और जो दूसरा है बहुबंधन समूह, अगर हम इसे समझें तो इसमें जो व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं वो एक से अधिक संबंधों के आधार पर इसमें जुड़े हुए होते हैं, एक एक आधार नहीं है, कई सारे आधार हो सकते हैं। अब इसे हम देख सकते हैं, जैसे कि हम परिवार को देख सकते हैं, परिवार में जैसे हम पति पत्नी को देखें तो उनके बीच में वैवाहिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, पिता पुत्र, भाई बहन, इन सभी के बीच में कैसा संबंध देखने को मिलेगा, रक्त संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बहुबंधन में क्या हो जाएगा, एक आधार नहीं है, कई सारे आधार है, और एकल बंधन में सिर्फ एक आधार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बुक किसकी है, ऑप्शन है एलियट एंड मेरिल, किंग्सले डेविस, सी एच कूले, लुइस वर्थ। क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब ये बुक किसकी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो राइट आंसर सी एच कूले हो जाएगा। 1909 में ये बुक आती है, सी एच कूले ने इसमें प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्राथमिक समूह की अवधारणा आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है उद्रक समूह और क्षैतिज समूह का वर्गीकरण किया है, ऑप्शन है सोरोकिन, मिलर, बोटोमोर, इनमें से कोई नहीं। एक है उद्रक समूह और दूसरा है क्षैतिज समूह। उद्रक समूह जिसे कि वर्टिकल ग्रुप भी कहा जाता है, और जो क्षैतिज समूह है इसे हॉरिजॉन्टल ग्रुप भी कहा जाता है। तो जो उद्रक समूह है उसका निर्माण का आधार क्या है, ऊंच नीच की भावना है, और जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल, तो इसमें समानता के आधार पर समूह का निर्माण होता है, और ये जो क्लासिफिकेशन किया है वो मिलर ने किया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा दी है, जिन्सबर्ग, समनर एंड केलर, किंग्सले डेविस, सी एच कूले। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका रहा है, समनर एंड केलर का। समूह के दो प्रकार, कहीं कहीं आपको केलर नहीं मिलेगा, केवल समनर ही देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, समनर एंड केलर, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की इन्होंने बात की है। समनर ने ये जो समूह के दो प्रकार हैं वो अपनी बुक फोकवेस में दिए हैं, और इनकी बुक आती है फोकवेस 1906 में। इन ग्रुप उसको कहते हैं जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है, और ऐसे समूह में उनके बीच यानी सदस्यों के बीच में वी फीलिंग पाई जाती है, हम की भावना। आउट ग्रुप ऐसा होता है जिसका कि व्यक्ति मेंबर नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जबकि हम की भावना हो, जब उसमें क्या हो, हम की भावना हो और उसमें अंतर क्रिया हो। व्यक्ति का संग्रह हो तो साथ में क्या हो, उसमें हम की भावना और अंतर क्रिया भी होती हो। जब ये तीनों ही होंगे तो व्यक्तियों के ऐसा संकलन क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। अब ये जो परिभाषित किया है समूह को, ऑप्शंस दिए गए हैं जॉनसन, रॉबर्टसन, गिटलर या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जब उस समूह के बीच में हम की भावना पाई जाती हो और साथ ही उसमें पारस्परिक अंतर क्रिया भी होती हो। तो ये कहना गिटलर का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूह का विभाजन किसने किया है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, सैडरसन, ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस, क्या हो जाएगा। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो क्या होगा यहाँ पर, पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या फिर अंतः समूह, बताइए। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाएगा, तो ऐसा समूह क्या कहलाएगा, द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक समूह की अगर हम विशेषताएं या लक्षणों की बात करें तो वृहद आकार होता है, ऐसे समूह का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अवैतिक संबंध पाए जाते हैं, अस्थायी जो संबंध होते हैं, अस्थायी प्रकृति हम कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह को दो वर्गों में विभाजित किया है या संदर्भ समूह का दो वर्गों में वर्गीकरण किया है, एक तो है सकारात्मक संदर्भ समूह और दूसरा है नकारात्मक संदर्भ समूह। ऑप्शंस हैं आरके मर्टन, जॉनसन, न्यूकॉम, मैकेवर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग सब आपस में पूछने लगते हैं जब दोबारा कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंफ्यूज आप लोग बहुत होते हैं। रेफरेंस ग्रुप का पूछा जा रहा है, जो क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप में किसने किया, ऑप्शंस है आर के मर्टन, जॉनसन, न्यूकॉम, मैकेवर। पहले तो यहाँ पर बताइए कौन होगा, एंड मुझे याद आ रहा है ये आपको बताया गया है पहले, रेफरेंस ग्रुप के बारे में जब बताया गया है तो उसमें टाइप्स बताए गए हैं कि किसने बताया है। तो क्या होगा यहाँ पर, न्यूकॉम होगा, न्यूकॉम होगा सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह की बात न्यूकॉम ने की है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो एग्ज़ाम है यूपी पीजीटी का और इसके अलावा जीआईसी, इन दोनों ही पेपर में, इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि किसने सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच में अंतर बताया है। ठीक है, अंतर किसने किया है सकारात्मक संदर्भ समूह में और नकारात्मक संदर्भ समूह में, तो वहाँ पर जब अंतर की बात पूछी जाएगी कि किसने किया है तब वहाँ पर मर्टन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच में अगर अंतर की बात पूछी जाती है कि किसने अंतर बताया है, अंतर किया है, तो आर के मर्टन है, रॉबर्ट किंग मर्टन है, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि संदर्भ समूह का इन दो वर्गों में सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह में क्लासिफिकेशन किसने किया है, वर्गीकरण किसने किया है, या संदर्भ समूह के दो प्रकार सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह किसने बताए हैं, तो न्यूकॉम ही होगा। ठीक है, न्यूकॉम होगा, कंफ्यूज ना होइएगा, बता दिया गया है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और अगर हम सकारात्मक संदर्भ समूह की बात करें तो इसमें क्या होता है,
ऐसे समूह के में जो मूल्य होते हैं, कानून होते हैं, नियम जो होते हैं, उनको क्या करता है व्यक्ति मानता है, उसका जो सदस्य है सकारात्मक संदर्भ समूह के जो मेंबर्स हैं इसके, इस ग्रुप के जो भी मूल्य हैं, नियम हैं, ठीक है, कानून हैं, इन सभी को मानता है और अपने अनुरूप क्या करता है उसमें आत्मसात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब नकारात्मक संदर्भ समूह की हम बात करते हैं तो उस समूह के जो भी मूल्य हैं, क्या होगा, संदर्भ समूह के जो भी मूल्य हैं, मानक हैं, कानून हैं, उन सभी को वो नहीं मानता है, उनके उनको अस्वीकार तो करता है प्लस साथ में ही उसके अपोजिट जो भी कानून है, नियम है, मूल्य हैं, उनको वो अपनाता है, अपने में आत्मसात करता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, आई होप। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, हमारी मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है, यह तर्क है। ऑप्शन है कूले, मेलानोवस्की, किंग्सले, डेविस, पार्सन्स। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राइमरी ग्रुप में ही होती है, ये किसका कहना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूले हो जाएगा, कूले हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य तत्व सापेक्षहीनता है और यह तर्क है। ऑप्शंस हैं आरके मर्टन, हाइमेन, न्यूकॉम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्वेश्चन आया था हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राइमरी ग्रुप में ही होती है, ठीक है, ये यहाँ पर कूले नहीं होगा, पार्सन्स होगा। ठीक है, क्या होगा, पार्सन्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य तत्व सापेक्षहीनता है, यह तर्क है। ऑप्शन है आर के मर्टन, हाइमेन, न्यूकॉम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के मर्टन हो जाएगा, आर के मर्टन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर के मर्टन हो जाएगा। और आर के मर्टन ने क्या कहा था संदर्भ समूह के बारे में, कि व्यक्ति जिसका कि सदस्य नहीं है, जिस समूह का सदस्य नहीं है लेकिन उस समूह का सदस्य वो बनना चाहता है। और आर के मर्टन ने दो आधार बताए थे संदर्भ समूह के निर्माण के, एक तो आकांक्षा, दूसरा सापेक्ष वंचना या तुलनात्मकहीनता या सापेक्षहीनता जिसे कहा जाता है। तो ये आर के मर्टन ने बताया है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्षहीनता मतलब जब वो व्यक्ति किसी ग्रुप से अपनी तुलना करता है, अपने समूह की तुलना करता है और निष्कर्ष तौर पर ये पाता है कि उसका जो स्वयं का समूह है वो निम्न है और सामने वाला जो समूह है वो उसे वो आइडियल मानने लगता है, उच्च मानने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समूह को चार वर्गों में विभक्त किया है, सांख्यिकीय समूह, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर समूह को इन चार प्रकार से किसने विभाजित किया है, या समूह के चार प्रकार किसने बताए हैं, किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट बियरस्टिट, सी एच कूले हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है पीजीटी के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बियरस्टिट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल ऑर्डर इनकी बुक है रॉबर्ट बियरस्टिट की, और इन्होंने अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि समूह की विशेषताएं पूछी गई थी कि किसने बताई हैं। ठीक है, बियरस्टिट का क्वेश्चन था वो, तो बियरस्टिट ने जो समूह की विशेषताएं बताई हैं, या हम कह लें समूह के जो लक्षण बताए हैं वो तीन बताएँ, एक तो समता की चेतना, फिर सामाजिक अंतर्क्रिया और तीसरा है सामाजिक संगठन। समता की चेतना, सामाजिक अंतर्क्रिया और सामाजिक संगठन, ये तीन विशेषताएं बताई थी सामाजिक समूह की। अब हम ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि समूह के इन तीन लक्षणों की बात किसने की है, किसी भी समूह में अगर ये तीन लक्षण पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे।
तो ये रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताया, और रॉबर्ट बियरस्टेड ने इन तीन विशेषताओं के आधार पर ही चार प्रकार के समूह की बात की है। और ये चार प्रकार कौन कौन से हैं समूह के? सांख्यिकी समूह, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक समूह का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है किम्बॉल यंग, कॉल मैनहीम, कूले, बोगाडस। औपचारिक व अनौपचारिक समूह का वर्गीकरण किसने किया है ये पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? औपचारिक और अनौपचारिक समूह का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है? बोगाडस ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, परिवार, पड़ोस व मित्र मंडली समूह को प्राथमिक समूह का उदाहरण किसने माना है? एक है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली जो समूह होता है उसे प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल किसने माना? चार्ल्स कूले, कार्ल मार्क्स, ग्रीन, लेपियर। चार्ल्स कूले, कार्ल मार्क्स, ग्रीन, लेपियर ऑप्शंस हैं। तो चार्ल्स कूले हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में बुक आती है जिसमें कि उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, और प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी थी यानी कि किसे प्राइमरी ग्रुप कहा था, तो ऐसा समूह या व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने के संबंध और सहयोग पाए जाते हों उन्हें ही हम सामाजिक समूह कहते हैं। कूले ने कहा था ये। ठीक है, सामाजिक समूह की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो कूले की है। और इन्होंने तीन एग्जाम्पल्स दिए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली या मित्र समूह जो होता है वो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है? और ये भी क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये कराया गया है। ऑप्शन है ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमेन, मर्टन, शेरिफ। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है, ये किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। और इनका ये मानना था कि जो संदर्भ समूह है उसका जो आधार है नकल, यानी कि ये जो बताते हैं ना सर्वोत्तम लोगों की नकल करना, तो ये कहते हैं जो नकल है उसका जो आधार है वो कल्पना है। ठीक है, कल्पना के आधार पर वो नकल करता है व्यक्ति। और जो कहते हैं जो रेफरेंस ग्रुप है, संदर्भ समूह है, ऑटो क्लाइनबर्ग का कहना है कि जो रेफरेंस ग्रुप है वो काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक संदर्भ समूह भी हो सकता है। ठीक है, और इन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया है रेफरेंस ग्रुप को? तो इन्होंने कहा है कि वह समूह जिसके जो आदर्श होते हैं, जिस समूह के मूल्य है, व्यवहार है, प्रतिमान है, उसे व्यक्ति अपना क्या मान लेता है? आइडियल मान लेता है, आदर्श मान लेता है, उसको ही उन्होंने रेफरेंस ग्रुप कहा है। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ऑटो क्लाइनबर्ग ने संदर्भ समूह के दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था वास्तविक संदर्भ समूह और दूसरा बताया था काल्पनिक संदर्भ समूह। ठीक है, वास्तविक संदर्भ समूह और काल्पनिक संदर्भ समूह, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। तो ये ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संदर्भ समूह का वर्णन अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया है? ऑप्शंस है हर्सल, शुट्स, हाइमन, मर्टन। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस ये बुक किसकी है जिसमें कि रेफरेंस ग्रुप की बात सबसे पहले की है? हर्सल, शुट्स, हाइमन, मर्टन है। बताइए क्या होगा यहाँ पर?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईमैन हो जाएगा। ठीक है, ये बुक कब आती है, 1942 में आती है, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। हाईमैन ने रेफरेंस ग्रुप की सबसे पहले बात की थी। और अगर पूछा जाता है समाजशास्त्र में संद समूह की बात सबसे पहले किसने की है, तो मर्टन ने की है। ठीक है, और ये संद समूह को क्या बताते हैं कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कुछ ऐसे समूह का की अहम भूमिका होती है, कुछ ऐसे समूह का रोल होता है जिसका कि वो व्यक्ति क्या होता है, मेंबर नहीं होता है। तो ऐसे समूह को ही इन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति का ये क्या कहलाता है, संदर्भ समूह कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हाईमैन। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया। ऑप्शन है न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ या फिर इनमें से कोई नहीं। संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया है। तो क्या हो जाएगा, ऑटो क्लाइनबर्ग अभी बताया गया है, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम काल्पनिक संदर्भ समूह की बात करें तो व्यक्ति इसमें कल्पना के आधार पर व्यवहार करता है। ठीक है, उस समूह के बारे में उसे कोई मतलब कि व्यक्ति को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, व्यक्ति ऐसे समूह के बारे में जागरूक नहीं है, सिर्फ कल्पना के जरिए उसे वह अपना रोल मॉडल मानता है और अपना व्यवहार करने लगता है। और जो दूसरा वास्तविक संदर्भ समूह है, तो ये ठीक इसके अपोजिट है, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी होती है, उस समूह के बारे में वह जागरूक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकांक्षा व तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात करने वाले हैं हाईमैन, आर के मर्टन, स्टॉफर या फिर इनमें से कोई नहीं। आकांक्षा और तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर रेफरेंस ग्रुप के निर्माण की बात किसने की थी, बताइए। चलिए, हाईमैन, आर के मर्टन, स्टॉफर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दो आधार इन्होंने ही बताए हैं रेफरेंस ग्रुप के, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक सोसाइटी में किस समाजशास्त्री ने समूह को व्यक्तियों का संकलन माना, यानी समूह व्यक्तियों का संकलन है और ये अपनी इनकी जो बुक है, ये जिसने कहा है उनकी बुक है सोसाइटी। ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, कूले, डेविस। बुक्स के जरिए बताया जा सकता है, ये जो बुक है उसके जरिए बताया जा सकता है इनमें से किसकी बुक है, और फिर ये अगर बुक पता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये किसका कहना होगा, मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, आकार के आधार पर समूह को एकल, द्वैत और त्रैत के रूप में किसने विभाजित किया है। सीमेल, स्मॉल, स्पेंसर, दुर्खिम। सीमेल, स्मॉल, स्पेंसर, दुर्खिम ऑप्शंस हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि सीमेल ने समूह का जो एकल, द्वैत और त्रैत के रूप में विभाजन किया है वो किस आधार पर किया है। तो ध्यान दीजिएगा, आकार के आधार पर किया है इन्होंने, ठीक है, साइज के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होगा, सीमेल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।